गौरतलब है कि विगत दिनों नाव में रेप पीड़िता को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी, जिसके बाद वह लगभग 1 किलोमीटर चली और पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसे गंभीर 95% जली हालत में शुक्रवार रात्रि में दिल्ली की सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई, जिससे पूरे देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर सफाइयों ने घंटा घर पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दोषियों को जल्द फांसी दिलाए जाने की मांग की। प्रदर्शन करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी ने कहा कि पूरे देश में जिस तरह महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से संपूर्ण देश की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश भी व्याप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है व अपराधियों को उत्तर प्रदेश सरकार संरक्षण दे रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो सरकार इस्तीफा दे दे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जिससे जनता को जंगल राज से मुक्ति मिले। इस दौरान शिशुपाल सिंह यादव, नेपाल यादव, शिवम मिश्रा, राम प्रताप सिंह, तिलक सिंह, राघवेंद्र जय सिंह, नरेंद्र सिंह राजपूत, परवेश पठान सहित अनेक लोग मौजूद थे। जो उन्नाव की बेटी के साथ पहले बलात्कार और फिर उसको जला के जिंदा जला के मार डाला, हम सब लोग उसकी आत्मा की शांति और उत्तर प्रदेश में निरंतर जो बलात्कार हो रहे हैं, उन्नाव में पहले भी इतनी बड़ी घटना घटी है जिसे दबा दिया गया है, दूसरी ये घटना घटी है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह प्रियंका रेड्डी को इंसाफ मिला उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार को भी जागना चाहिए और बलात्कारियों के संग वही सजा देनी चाहिए, ताकि वो इतना घिनौना कार्य करने से पहले उनकी रूह कांप जाए।